असलम के फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट टिप्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मेरा जो आईफोन 7 प्लस है, मैंने इसको बाईपास किया है और इसका जो है वो बूट लूप पे आ जाता है। जब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये ऐप लोगों पे ही रीस्टार्ट होने लग जाता है। तो इसको आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इसको सेफ शॉट डाउन कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, 3-4 वीडियोज़ हैं मेरी इसी चीज़ के ऊपर कि आप किस तरह से उसको सेफली शट डाउन कर सकते हैं। मेरा 13.4 इसका वर्जन है, आईफोन 7 प्लस, ठीक है, और ये ब्लैक कलर में है। तो पहले मेरे जो वीडियो थी उनके अंदर तो या तो हम 3U टूल के ज़रिए फाइल को इंसर्ट करते थे इसके अंदर। 3U टूल में आके आप किसी भी फोल्डर में यहाँ पे आके फाइल को जो है वो एक डीबग फाइल है और ये वाली फ़ाइल, इसको यहाँ से आप करके और बाद में हमें उधर से इंस्टॉल करना पड़ता था और ये काम थोड़ा लंबा हो जाता था। तो पहले, उससे पहले जो मेथड था वो हम CDIA के ज़रिए इंस्टॉल करते थे। सिंपल, हम अपना CDIA खोलते थे, CDIA के अंदर एक जो है सोर्स देते थे और सोर्स के बाद हम उसको इंस्टॉल कर सकते। तो आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है और 100% वर्किंग है, हर डिवाइस पर काम करेगा, चाहे जो भी वर्जन है उसका, इससे ऊपर है 13.4 से या 13.4 से नीचे है, कोई भी वर्जन है आप उस पर 100% काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर इनेबल कर लें, क्योंकि मैं लाता रहूँगा इसी तरह की आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस। तो ये देखिए मेरा फ़ोन है और इसके अंदर मैंने जो है वो CDIA इंस्टॉल कर ली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर CDIA ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने सोर्स में आना है, ठीक है, और यहाँ पर एडिट में जाकर आपने ऐड सोर्स देना है। यहाँ पर ऐड सोर्स में आपने देना है apt.cdia.kk.com। आप लोग देख सकते हैं apt.cdia.kk.com और इसको ऐड सोर्स आपने कर देना है, ठीक है। ये मैंने इसको ऐड सोर्स किया और ये जो है TV हमारा इंस्टॉल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सोर्स इसका, ठीक है। तो ये पैकेज जो है वो डाउनलोडिंग हो रहा है और ये बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है। हम CDIA के अंदर से ही सेव शट डाउन वाली एप्लीकेशन जो है उसी को इंस्टॉल करें, कि कहीं से भी हमें फिल्ज़ा फाइल के जरिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो CDIA के अंदर ही हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये पैकेज जो है वो डाउनलोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो मैं रिटर्न टू CDIA करूँगा और अब यहाँ पर देखें, ये एक CDIA KK के नाम से एक जो है वो पैकेज आ चुका है यहाँ पे। तो मुझे इसको क्लिक करना है और उसके बाद मुझे चले जाना है ऑल पैकेजेस में, और यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं, बहुत ही सारे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस हैं जो कि चाइनीज़ में हैं। तो यहाँ पे ये देखें, साइड पे ABCD इजी तक सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे हमें जाना है एस के अंदर, यहाँ पर एस आएगा और सॉरी ये आर आ गया और मुझे जाना है एस में, ठीक है, ये एस आ गया। एस में जाएंगे तो ये देखें, फोर्थ या फाइव नंबर पे ही लिखा हुआ है सेव शट डाउन। तो मुझे इस पर क्लिक करना है और सिंपल यहाँ से मुझे सेव शट डाउन को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल जो है 3U टूल के ज़रिए डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम करते थे कि 3U टूल के ज़रिए जो डीबग फाइल है उसे डाल के उसके बाद जो हम इसमें इंस्टॉल करते थे तब जाके वो होती थी, और उसमें भी एक एरर आता था, उसको हमें फ़िक्स करना पड़ता था। तो इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, सिंपल ये ट्वीक जो है मैंने आपको बताया वो आप इंस्टॉल ऐड सोर्स करें और उसके बाद इस ट्वीक को इंस्टॉल कर लें सेव शट डाउन को। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो इंस्टॉल होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो ये देखें, रीस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड करूँगा मैं और देखें मेरा फ़ोन जो मेन्यू पर आ गया, मैं होम बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर देखें सेव शट डाउन एप्लीकेशन आ चुकी है। और मैं सिंपल सेटिंग में चला जाता हूं। अब सेटिंग में जाने के बाद ये देखिए सबसे नीचे सेव शट डाउन के नाम से एप्लीकेशन आ गई है, मुझे इसको ऑन करना है और यहां पे मुझे सेव शट डाउन सेटिंग में आके होल्ड लॉक इसको ऑन, दोनों को ऑन कर देना है और बैक आ जाऊंगा। और यहां पे नीचे मुझे पावर डाउन मेन्यू में आना है और इन सबको ऑफ़ कर देना है और सिर्फ सेव शट डाउन को ऑन रहने दूँगा। अब मैं बैक आ जाऊँगा, एक दफ़ा इसे बंद करके ऑन कर लूँगा और मैं बैकग्राउंड से इसको बंद कर दूँगा। तो अब देखें कि मैं इसको पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस करने के बाद ये देखें सेव शट डाउन लिखा आ रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है कि आपको कुछ भी वो फाइल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये ट्वीक आप जाके CDIA में जाके इंस्टॉल करें, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक दफ़ा, ठीक है। सोर्स में जाके ये वाली ट्वीक है, आप इसको इंस्टॉल करके सेव शट डाउन जो है वो ऑन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ऑफ़ करके भी दिखा देता हूँ इसके अंदर,
ये मेरा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली ऑफ हो गया, मैं केबल उतार देता हूँ। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा बंद कर लेता हूँ, ठीक है, और दोबारा सेव शट डाउन लिखा आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।